ड्रग इंस्पेक्टर के घर पर मिली 5 बोरों से भरी गड्डिया, नोटों को गिनते गिनते मशीन भी हो गई खराब। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे इसी तरह की कुछ खास खबरें। सबसे पहले, बिहार में एक ड्रग इंस्पेक्टर के पास से 5 बोरे मिले हैं जिनमें ठूस ठूस कर पैसा भरा गया था। ये मामला बिहार के पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के यहाँ स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने आज से अधिक संपत्ति के मामले में दबिश दी। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश, करीब 4 करोड़ और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान टीम ने नोटों से भरे 5 बोरे, दर्जनों जमीन के कागजात, सोने चांदी के आभूषण, 4 लग्जरी कार और कई बैंकों के ATM कार्ड को जब्त किया। इन बोरों में 2000 और 500 रुपए के नोट भर कर रखे गए थे। गिनने के लिए निगरानी से पहले करेंसी रीडर मशीन मंगाई गई। बीच में मशीन खराब हुई तो नोट गिनने के लिए बैंक कर्मी को बुलाना पड़ा। निगरानी विभाग ने ड्रग्स इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। जैसे ही छापेमारी की कोर्ट से इजाजत मिली, वैसे ही अधिकारियों ने कार्यवाही शुरू कर दी। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने ड्रग्स इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के पटना सिटी के सुल्तानगंज, पटना की गौला रोड, जहानाबाद और गया स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। टीम ने करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का खुलासा किया। स्पेशल विजिलेंस टीम सुबह से लगी हुई और शनिवार की देर रात तक वो इन संपत्तियों का आंकलन व मूल्यांकन करती रही। इससे पहले ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ निगरानी थाने ने 1.59 करोड़ रुपए का आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराते हुए छापेमारी शुरू की गई। जांच के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मलेरिया ऑफिस के समीप खान मिर्जा मोहल्ले में स्थित आवास पर बोरे, दीवान, पलंग और कार्टून में छिपा करके ये रखे गए। बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें हापुड़ हलचल।